Alhamdulillah, we achieved a lot in this 6 months. I am participating in upcoming national junior competition. हॉर्सों के बारे में बड़ा मुझे पैशन, राइडिंग का बड़ा पैशन मुझे। मैं समझता हूँ कि खासकर जो हमें पठान्स हैं और जनरली हमने एक हॉर्स राइडिंग का एक पैशन है। और अब सही क्वेश्चन पूछे आपने, आजकल बच्चे पलंगा पे सो के, सोफे पर सो के जो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं और फास्ट फूड खा के, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ बाहर आना चाहिए, स्विमिंग करो, गेम्स खेलो। हॉर्स राइडिंग का क्या खासियत है, घोड़े का अपना दिमाग होता है। तो मैं जब घोड़े पर बैठती हूँ, मोटरसाइकिल चला सरका नहीं है, मोटरसाइकिल को किधर बोले तो जाती है, ये नहीं उठाओ को फेंकना करो तो फेंकते हैं, फेंकना बोले तो फेंक किस चलते, लेफ्ट जाना बोले तो वो घोड़ा जाता है उधर ही जाना पड़ता है। उसको स्किल घोड़े का जो सीखते हैं हमें और घोड़े को कंट्रोल करते हैं और हमारे काबू में लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक 500-600 किलो का जानवर और इंसान कितना रहता है, 80, मैं हूँ 86-87 किलो, आम इंसान तो 70-64 होता, बड़ा मुश्किल चीज़ है। एक पहले से ये सुन्नत भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो नबी जो घोड़े से बड़ा इश्क करते थे और बड़ी अहमियत देते थे। तो मैं समझता हूँ कि घोड़सवारी सीखे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी बाहर आओ को स्विमिंग, क्रिकेट खेलो, जो भी है आउटडोर्स आइए, सोफे पर बैठ के बच्चे मोटे हो जाते हैं, नफील है ना, सुन्नत है ना, सुन्नत है। और मजाक नहीं है घोड़ा चलाना, जो घोड़े पर बैठते हैं उनको मालूम है घोड़ा को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है बोल के। और एक 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 मैचो मैनली स्पोर्ट्स हैं जी, जिसमें एक आपको एक बादशाह की फीलिंग आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्स का बाइक 80 ईयर्स पहले कार है, उससे पहले तो हजारों साल घोड़े ही चलाते थे इंसान, तो इसका एक अलग मजा है, अलग पैशन है। और देखो कितने खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर जो उम्र बच्चे भी देखेंगे घुड़सवारी का जो शौक है और घुड़सवारी कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल मुकाबले में भी जो यहाँ से वो जा रहे हैं। जी हाँ, ये हमारे इस जिपी अरिना से, जिपी नाइट से एक लड़का, सिर्फ एक, हमें ये शुरू करके एक साल हुआ, एक साल में ही एक लड़का सेलेक्ट हुआ है नेशनल्स को रिप्रेजेंट, अरमान बोल के अभी अब बात किए उससे, हमें बड़ा बड़ी खुशी महसूस हो रही है एंड बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, जीतेगा नेशनल्स में इंशाल्लाह। इधर जिपी नाइट्स इक्वेस्ट्रियन स्टेबल जो जेपी नगर में है, वी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं होते आ रहा है, बट आर राइडर्स दे हैव स्टार्टेड कम्पीटिंग इन द रीजनल कॉम्पिटिशन्स, एंड हमारे पास एक राइडर है मिस्टर अरमान बोल के, ही इज 11 ईयर ओल्ड किड, सो ही इज सेलेक्टेड फॉर नेशनल्स एंड अभी नेशनल की तैयारी हो रही है, तो उसके चलते हमने इधर एक सेंड ऑफ पार्टी के जैसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, एंड कोइंसिडेंटली उसका बर्थडे भी है, तो इट्स हिज बर्थडे एंड ऑल्सो सेंड ऑफ पार्टी फॉर अरमान एंड प्रेप टॉक बेसिकली फॉर अरमान टू गो टू नेशनल्स। ये स्टेबल में हमारे पास बेसिक राइडिंग है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हॉर्स राइडिंग, वो वहाँ से स्टार्ट करके कॉम्पिटिशन लेवल तक की एडवांस ट्रेनिंग इधर दी जाती है। हाँ, जो लेवल 1 कोर्स है वो 8 क्लासेस का है, 8 क्लास, लेवल 2 20 क्लासेस, लेवल 3 17 क्लासेस, सो टोटल तकरीबन 45 क्लासेस का जो एक कोर्स है अपना बेसिक कोर्स, वो कंप्लीट करते करते कोई भी बच्चा हो या बड़े लोग हो, वो राइडिंग कंप्लीट सीख सकते हैं। हमारे पास बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स, वी हैव किड्स फ्रॉम 5 ईयर्स एंड आर एल्डेस्ट सीनियर राइडर इज अबाउट 63-64 ईयर्स, तो इसमें एज का कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत बॉडी वेट का होता है, सो वी डोंट टेक इन राइडर्स मोर देन 80-85 kg, सो वी लिमिट द बॉडी वेट अप टू 80-85 kg। जो ये जो ब्रांच है जिपी नाइट्स इक्वेस्ट्रियन, ये जेपी नगर 7th फेस में है, पुटेनहली के बिल्कुल बैक साइड जो लेक आता है ब्रिगेड नेशनल्स में। 2 कैटेगरीज है, जूनियर नेशनल्स और सीनियर नेशनल्स। अभी अपना एक स्टूडेंट अरमान बोल के जूनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन चालू होगा 8 December से, भोपाल में रह रहे,
तो वो उसका सिलेक्शन हो गया नेशनल्स के लिए, वो चिल्ड्रन टू कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते कर रहे, तो हाँ जिपी रिप्रेजेंट कर रहे, यही घोड़े पे कर रहे वो कॉम्पिटिशन। घोड़े का नाम है लॉन्ग रेंज। अमरमान फ्रॉम जिपी, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग नेशनल जूनियर कॉम्पिटिशन एंड राइडिंग एयर 6-5 हॉर्सेस एवरी डे, आई एम ऑल एक्साइटेड अबाउट इट। हालांकि वो राइडिंग करता था पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अभी ज़्यादा बेटर है उसका जो टेक्निक वेज एंड एवरीथिंग, जो जीपी वाले उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड अ लॉट इन दिस 6 मंथ्स। ये पूरा इवेंट अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मेडल्स भी जीते अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ ही इज गोइंग फॉर द नेशनल्स एंड वी बोथ आर वेरी मच एक्साइटेड एंड लेट्स होप फॉर द गुड। तैयारियाँ तो इट्स ऑल द एफर्ट्स एंड सपोर्ट गिवन फ्रॉम ऑल द ट्रेनर्स हियर, फ्रॉम अब्दुल सर, दिलीप सर, नॉमन सर, राजन सर, हाशिम, भरत, एवरीवन, ऑल द ट्रेनर्स। ही इज बीन राइडिंग डेली, ही इज बीन राइडिंग 4-5 हॉर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग टिल इवनिंग। ही इज ऑलमोस्ट हियर इन जिप्पी इटसेल्फ फ्रॉम 6:30 टू 11:30 एंड फ्रॉम 2:30 टिल 8 o'clock इन द इवनिंग। नेशनल में जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको नेशनल में? जो है उम्मीद तो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल की है, इंशाल्लाह देन होप फॉर द बेस्ट।